Hello everyone, welcome back to another video. Today we have this Hycross 21.1 kmpl की माइलेज क्लेम कर रही है हाइब्रिड के साथ, ऑफ कोर्स कंपनी और साथ में ADAS फीचर्स होने के साथ साथ प्रीमियम इंटीरियर्स, वेंटिलेटेड सीट्स और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ XUV700 के साथ, बिकॉज मुझे पर्टिकुलर लगता है कि इस साइज में क्लोज टू द साइज ADAS फीचर सिर्फ उसी में आते हैं इस टाइम पर। ग्लॉस्टर अलग लेवल पर चली जाती है, बट अभी इसकी प्राइसिंग सामने नहीं है, बट उसके बारे में भी आइडिया आपको देने वाला हूँ। कब अवेलेबल होगी, बुकिंग अभी से शुरू है, किस प्राइस पर आएगी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। शुरुआत करते हैं इसकी लुक से। अब देखो, सबसे पहले ऑफकोर्स ऑल LED हेडलैम्प्स, LED DRLs एंड इंडिकेटर्स बाई फंक्शनल आपको ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, काफ़ी नीचे रखे गए हैं। स्किड प्लेट्स में भी अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो मुझे लगता है कि इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और चाहे आप इसे लॉन्ग राइड्स पे लेके जाएंगे, ड्राइव्स पे, तब आपको ये काफ़ी काम आने वाले हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। आपको ओवरऑल फ्रंट लुक द ग्रिल कैसी लग रही नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। साइड प्रोफाइल में चलेंगे तब आपको ऑफकोर्स मैसिव अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे गुडियर की तरफ से। हालांकि मुझे लगता है कि इससे बड़ा एक और साइज रखते तो अच्छा लगता, बट 18 इंचेस है, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऑफ कोर्स आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर फ्रंट में मिल जाती है, क्लैडिंग मिनिमलिस्टिक, लुक्स नाइस। मेन तो मुझे फ्रंट लुक लगा, मतलब ये नाम चाहे जरूर इसका इनोवा हाईक्रॉस है, बट मुझे बिल्कुल अलग ही व्हीकल लग रहा है। दिस इज एन हाइब्रिड क्रॉसओवर, तभी इसका नाम हाईक्रॉस रखा गया है। अब 225/50 का सेक्शन है, तो काफ़ी अच्छी खासी विड्थ आपको मिल जाती है, 18 इंचेस। ऑफ कोर्स अलॉयज जो है अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल ये स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा, ओवर हैंग को थोड़ा शॉर्ट रखा गया ताकि व्हील बेस जो इंक्रीज़ किया है, इंटीरियर में स्पेस ज़्यादा मिल जाए। अब इनोवा क्रिस्टा के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो डायमेंशन में काफ़ी फ़र्क है, मेजरली व्हील बेस जो एक्चुअल हमारे रियल लाइफ में काम आएगा ताकि स्पेस अच्छी मिल जाए। अब कंपनी क्लेम करती है कि इस तरीके से इसका फ्लैट फ्लोर और यू नो स्पेस रखी गई है कि थर्ड रो में भी आप तीन तीन अडल्ट्स बैठ सकें। अब ये तो अंदर जाके ही पता लगेगा कि ना इसमें सच है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 7 सीट्स और 8 सीट्स की कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होगी। हाइब्रिड में होंगे 3 वेरिएंट्स और नॉन हाइब्रिड में होंगे 2 वेरिएंट्स। दोनों में 2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ऑफर किया जाता है। अब ओवरऑल इसमें 7 सीट्स और 8 सीट्स ऑप्शन भी अलग से अवेलेबल है। 2 लीटर का जो इंजन आता है इसका नॉन हाइब्रिड 174 BHP जनरेट करता है एंड 186 PS पावर जनरेट होगी इसकी हाइब्रिड वाले इंजन में। टॉर्क भी आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, बट मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि टॉर्क थोड़ी और होनी चाहिए थी, बट हाइब्रिड के साथ ऐसा फील इसलिए नहीं होता बिकॉज उसमें इंस्टेंट टॉर्क मिल जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर ऑफ दिस व्हीकल। इट्स वेरी वेरी स्पेशियस, ये बात तो पक्की, आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पर आपको चेस्टनट ब्राउन का ट्रीटमेंट दिया गया, ऑल लेदर। यहाँ पर हालांकि हार्ड प्लास्टिक है, दिस इज़ सॉफ्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक, लेकिन काफ़ी बॉक्सी बॉक्सी शेप आपको सारी मिलेगी इसकी, एंड इट लुक्स रियली गुड। स्टोरेज वाइज ऑफ कोर्स अ गुड स्टोरेज, हमेशा की तरह आपको अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। देन अब इंटीरियर वाइज 10.1 इंच की प्रॉपर टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है तो CVT ऑप्शन ही मिलती हाइब्रिड के साथ। ECVT जिसे कंपनी E-Drive कहती है, और वैसे CVT ऑप्शन विद द गैसोलीन। वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में, ऑटोमेटिक AC सब आप देख सकते हैं, और ऑफ कोर्स सारे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, EV मोड पे है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, स्पोर्ट्स मोड भी ऑफर किया जाता है। This is the non-hybrid variant. USB-A, USB-Type-C, cup holders बड़े अच्छे खासे, 7 इंच का ही आपको क्लस्टर मिलता है, उधर से आपको दिखा देता हूँ। बट ओवरऑल इस सीट में वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो मुझे पर्टिकुलरली अच्छी लगी हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये पावर्ड सीट्स नहीं है, पावर्ड आपको सेकेंड रो वाली मिलेंगी जो ऑटोमैन फंक्शन के साथ भी आती हैं। साइड प्रोफाइल इस अगर मैं आपको पूरा डोर दिखाऊँ इसका, तो सिल्वर फिनिशिंग काफ़ी मिनिमलिस्टिक रखा है, ऐसा नहीं कि कोई एजी कर्व्स बहुत ज़्यादा है, सिंपल सा रखा गया। स्टोरेज अच्छी खासी, पावर विंडोज ऑफ कोर्स, क्रोम का यहाँ पर डोर हैंडल, और यहाँ पर भी लाइट। अब एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो इंटीरियर में यहाँ है कि नहीं मुझे ऑनेस्टली कंफर्म नहीं है, बट 12 वोल्ट का सॉकेट इस तरफ आपको दिया गया है और एम्बिएंट लाइटिंग ऊपर है ज़रूर। अब सेकंड रो, यहीं पे आपको मेन कंफर्ट मिलने वाला है बिकॉज पावर्ड ऑटोमन सीट्स भी हैं। हालांकि इसमें अभी प्रॉब्लम यही है कि की मेरे पास नहीं है, बट पावर्ड आप देख सकते हैं फिर भी काम कर रहा है। ऑटोमन फंक्शन यानी कि काफ्स को सपोर्ट मिल जाता है आपको एडिशनल, और अगर आपको सीट को आगे पीछे करना है तो आप यहीं से करोगे, तो बेसिकली ये बटन से आप रिक्लाइन कर सकते हो, इससे आप सीट आगे या पीछे कर सकते हो। तो कुछ आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा, कुछ नहीं। जैसे कि स्लाइड करना चाहते हैं तो मैनुअल है, क्योंकि आपको ऑफकोर्स थर्ड रो में भी जाना है तो इलेक्ट्रिक देते बहुत टाइम लग जाता है, तो रिक्लाइन जरूर आप पावर्ड वे से कर सकते हो, और ऑटोमन फंक्शन जो है उसे भी पावर्ड वे से यू नो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि लेग रूम ऑफकोर्स इनोवा है भाई, ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। स्टोरेज अच्छी खासी, यहाँ पर भी आपको एडिशनल 4 kg लोड के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको प्रॉपर रियर एसी वेंट्स के जो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं बिकॉज वेंट्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। नीचे आपको USB टाइप सी के 2 पोर्ट्स हैं, और ऑफ कोर्स फ्लैट फ्लोर की मदद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाती है, एंड ऑफ कोर्स 2 सीट्स हैं, एंड जो ये कैप्टन सीट्स दी गई हैं, और साथ में आपको कप होल्डर्स भी ऑफर किए जाते हैं विद अ स्मॉल ट्रे एज वेल।
पैनोरामिक सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग साइड्स पे आपको मिल जाती है ब्लू कलर की ही, जिस तरीके से आपको बाकी टोयोटा की कार्स में मिल जाते हैं ब्लू कलर ही रखते हैं। इनोवा में भी आगे मिरर के पास आती थी आईआरवीएम के पास, बट अब पीछे सनरूफ तक पूरा प्रोवाइड उसको किया गया है। मेन चीज़ वही है कि आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। हालांकि रियर सीट्स वेंटिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको अगर मैं थर्ड रो इसकी दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से आपको थर्ड रो में जाना पड़ेगा। थर्ड रो में अगेन वही कंपनी कहती है तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं अडल्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि दो ज़्यादा अच्छे से बैठ पाएंगे, तीसरा बच्चा बैठ पाएगा, बट ये भी बहुत बड़ी बात है। ऑफकोर्स जो लेग रूम है वो तो मिनिमलिस्टिक ही आपको मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट्स अ गुड कहीं ना कहीं स्पेस, और इनोवा उस चीज़ के लिए जानी जाती है। मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग इनोवा क्रिस्टा जो होती है उसमें थर्ड रो में थोड़ी ज़्यादा स्पेस है, या बराबर कह सकते हैं, बिकॉज ये सीट अब आगे आगे होगी तो मेरे को लेग रूम अच्छा मिल जाएगा। एंड ऑफकोर्स जो ये पीछे वाली सीट्स हैं वो भी रिक्लाइंड है, आप इनको काफ़ी रिक्लाइन करके कंफर्टेबली बैठ सकते हो, बट ऑफकोर्स आपकी बूट स्पेस जो है वो कम हो जाएगी। बट आपको यहाँ सॉकेट्स मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट, और साथ में कप होल्डर्स भी ऑफर किए जाते हैं, इधर भी आपको स्टोरेज मिलती है। रियर में भी आपको लाइट मिल जाएगी फॉर द थर्ड रो, एंड साथ के साथ आपको एसी वेंट्स इस तरफ दिए जाते हैं, तो थर्ड रो में भी प्रॉपर ठंड लगेगी। अब रही बात इसके इंटीरियर की, तो आपको 7 इंच के डिजिटल क्लस्टर मिल जाते हैं विद द हाइब्रिड वेरिएंट्स, नहीं तो आपको नॉर्मल एमआईडी ही ऑफर की जाएगी विद द नॉन हाइब्रिड वन। 10 इंच की स्क्रीन सामने ऑफर की जाती है, और ऑफकोर्स स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाएंगे जिसमें ADAS फीचर्स भी शामिल है, और आपको ये पावर्ड सीट मिल जाती है, एंड आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह के सारे जो फंक्शंस हैं वो भी यहीं पे ऑफर किए जाते हैं, और साथ में ऑफकोर्स आपको इलेक्ट्रिकली जो है IRVM भी ऑफर किया जाता है। लेट मी शो यू दैट, ये आपको इलेक्ट्रिकली जो है वो IRVM मिल जाता है। रही बात इसके टच स्क्रीन की, तो आप 360 डिग्री कैमरा देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा व्यू आपको दिखाना मुश्किल हो रहा है, आई नो, बट अभी अंदर बहुत ज़्यादा रश है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इसका ओवरऑल व्यू है। अब रही ADAS फीचर्स की बात, एंड इसमें आपको ADAS फीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं, जैसे कि ऑफकोर्स लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाला फंक्शन भी ऑफर किया जाता है, इन इस तरह के सारे ADAS फीचर्स इसको टोयोटा स्मार्ट सेंस का नाम भी देती है, अब ये सेफ्टी सेंस का नाम भी देती है, जिसकी वजह से आपकी जो सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स ऑफकोर्स आपको मिल जाएंगी, एंड साथ में आपको हाइब्रिड वाली जो टेक्नोलॉजी के साथ ADAS फीचर्स भी मिल जाते हैं। एक और वीडियो हम इसके बाद अपलोड करेंगे जो थोड़ी और डिटेल्ड होगी, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लें, सब्सक्राइब करें। अब बारी आती है इसकी रियर साइड की, न्यू LED टेल लैंप्स लुक्स रियली रियली गुड, साथ में रिवर्स लाइट और आपको जो मिल जाती हैं इंडिकेटर वाली वो बल्ब भी मिल रहे हैं, सिर्फ टेल लैंप्स हैं जिसको LED रखा गया है। इनोवा हाईक्रॉस की बड़ी सारी बैजिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑफकोर्स टोयोटा का बैज भी आपको पूरा मिल जाएगा, डिफॉगस वाइपर, साथ में हाई स्टॉप लैंप और वॉशर भी प्रोवाइडेड है। शार्कविन एंटीना जरूर है, बट एक चीज़ आपको मिसिंग लगेगी, रूफ रिल्स प्रोवाइडेड नहीं है। और रही बात इसकी बूट स्पेस की, अच्छी चीज़ ये है कि आपको पावर टेलगेट मिल जाता है, अगर आप सीट्स फोल्ड कर दोगे तो 951 लीटर्स की बूट स्पेस भी आपको ऑफर की जाती है। नाउ दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब रही बात इस व्हीकल के कंक्लूजन की, सो द पॉइंट इज कि बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, डीलरशिप पे अवेलेबल होगी मिड जनवरी, एंड प्राइसिंग भी बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। आई पर्सनली बिलीव दैट दिस व्हीकल इज गोइंग टू चेंज द गेम, बिकॉज जिसको फॉर्च्यूनर जितना बजट जितना नहीं जाना, लेकिन उसको एक बड़ी मैसिव SUV MPV दोनों चाहिए वो मिल जाएगी। अब 200 kg का जो वेट रिडक्शन हुआ उससे माइलेज का फर्क भी पड़ा है, और ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ड्राइविंग में भी फर्क आएगा, बट ड्राइव करके ही पता लगेगा कैसी आती कैसी नहीं। अब रही इसके इंजन एंड प्राइस की बात ओवरऑल, तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि अगर 25-30 लाख के एक शोरूम प्राइस की होगी तो डैट वुड बी रियली रियली गुड। एंड रही बात इसके इंजन की, मुझे लगता है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यहाँ पर ऑफर किया जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं टॉर्क में फ़र्क आएगा, बिकॉज टॉर्क की डिलीवरी बेटर हो जाएगी। लेकिन नॉन हाइब्रिड वेरियंट का क्या होगा वो चलाकर ही ज़्यादा पता लगेगा, बट आई पर्सनली बिलीव दैट एक ECVT ट्रांसमिशन के साथ होने से कहीं ना कहीं जो नॉन हाइब्रिड वेरियंट है उसमें डिले होगा या नहीं होगा, लैग होगा कि नहीं होगा, वो तो ड्राइव करके पता लगेगा, बिकॉज मैनुअल वेरिएंट नहीं है। तो मैनुअल लवर्स के लिए तो सॉरी बैड न्यूज़ ही रहेगी, बिकॉज ऑटोमेटिक ही अवेलेबल है, वो भी CVT। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताएं अपना ओपिनियन, मुझे लगता है कि ये गेम चेंज कर सकती है, व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।